Subscribe to Himanshwarya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में देखो हम लोग जो ह्यूमन ब्रेन जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक बच गया था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, जिसमें हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, क्लियर है ना। तो उसमें सबसे लास्ट टॉपिक बच गया हमारा ह्यूमन ब्रेन। इसे देखो एनसीईआरटी ने सबसे पहले ही दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसीलिए इसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो इस टॉपिक को इसलिए मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि हमने देखो बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा। सबसे पहले तो हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को समझा, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है। फिर हमने प्लांट को देखा, तो प्लांट को पूरा ही पढ़ लिया हमने, क्योंकि प्लांट में तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन था भी नहीं, तो सिंपली केमिकल कोऑर्डिनेशन था, यानी उसके मूवमेंट्स को देख लिया हमने। उसके बाद एनिमल को हमने शुरू किया, तो पहले हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को हमने पढ़ लिया यानी हार्मोन्स। फिर हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन शुरू किया, और न्यूरल कोऑर्डिनेशन में लगभग हमने सारी चीज़ों को देख लिया है, उसके यूनिट्स वगैरह कैसे काम कर रहा है सब चीज़ को देख लिया। बस हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है और वो है द ह्यूमन ब्रेन। आ रहा है समझ में? तो आज ह्यूमन ब्रेन को शुरू करते हैं। ये एक लेक्चर में बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, बड़ा लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए इसे मैं दो या तीन लेक्चर में करके ख़त्म कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा दो लेक्चर में ख़त्म कर दूँ इसे, ठीक है। तो चलो आज जहाँ तक हो पाता है ना वहाँ तक देखते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल देना ह्यूमन ब्रेन। देख लो, समझ लो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो पढ़ने के पहले, एनसीईआरटी में तो हमें बहुत ही छोटा सा पढ़ना है, क्लियर है ना। और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाना जरूर सीख जाओ, क्लियर है ना। अरे समझ में आपको? क्योंकि डायग्राम इसेंशियल है। डायग्राम ना अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं ह्यूमन ब्रेन का, और वो भी मतलब कि जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आ जाएगा डायग्राम बनाओ और उसमें फॉलोइंग पार्ट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ABC करके उसमें डिनोट करो आपकी, कहाँ पे तुम्हारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, कहाँ पे तुम्हारा मेडुला प्रेजेंट है, कहाँ पे सेरेब्रम प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह, क्लियर है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5 नंबर वाले में। तो डायग्राम तो बनाना जरूर प्रैक्टिस कर लोगे, मैं भी यहाँ पे डायग्राम बना के आपको उसके सारे पार्ट्स वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है ना। उसके लिए टेंशन नहीं लोगे आप, लेकिन आपको खुद से जरूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर देखा जाए ना तो पूरे लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में अभी तक आपने जितने डायग्राम पढ़े उसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर है ना। अदरवाइज कुछ नहीं है, आराम से बन जाता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर आराम से बनेगा, ठीक है। तो देखो ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझोगे, और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल मास्टरी नहीं करना है, फालतू के क्वेश्चंस दिमाग में बिल्कुल नहीं लाओगे, ठीक है ना। मैं जितना बता रहा हूँ आपको वो मोर देन इनफ है, ठीक है ना। मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको मोर देन इनफ है, क्योंकि सिलेबस तो कवर हो जाएगा बस इतने से में ही, लेकिन मैं इतना बताऊंगा आपको, यानी सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा, वो बस इसलिए ना ताकि आपके इसके फंक्शंस ना समझ में आए। अदरवाइज ब्रेन तो एक इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है ना, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में सही से पढ़ भी नहीं सकते हैं। उसके बारे में पढ़ते हैं वो लोग जो MD वगैरह करते हैं ना, MD समझ रहे हो ना, बिल्कुल ही मास्टर डिग्री जो डॉक्टर बनने के बाद भी करते हैं, MBBS करने के बाद, ठीक है ना। तो वो लोग इस पे मतलब बेसिकली स्टडी करते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमें तो बस उसका ABCD पढ़ना है, अल्फाबेट्स पढ़ने हैं, ताकि हम ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश कर सके। समझना भी नहीं है अभी हमें, हमें बस कोशिश करना है, आराम समझ में? इस लेवल पे हमें बस कोशिश करना है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे शुरू करते हैं। शुरू के कुछ पॉइंट्स हैं, उसे लिख लोगे फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखना है इसमें सबसे पहला पॉइंट, इट इज द वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर है ना, अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ CNS। देखो अब मैं अगर CNS लिख रहा हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, तो दो ही तो आते हैं जिसमें ब्रेन पढ़ रहे हैं हम। तो ब्रेन इज द वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ CNS, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो बस एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो तो वाइड होता भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे अपर पार्ट में तो ब्रेन ही प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड तो नीचे प्रेजेंट होता है। सो वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ CNS व्हिच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 97% ऑफ टोटल
नर्वस सिस्टम। देखो ये जो लाइन है ना, ये आपको थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होगा सुन के, नहीं कि पूरे नर्वस सिस्टम का 97% बस एक ब्रेन कवर कर रखा है। मतलब समझ रहे हो ना, अभी आपने क्लासिफिकेशन देख लिया ना नर्वस सिस्टम का, तो क्लासिफिकेशन में आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक, सोमैटिक, उसमें फिर पैरासिम्पेथेटिक, सिंपेथेटिक, हर चीज को देखा आपने, कहाँ पे क्या ऑर्गन प्रेजेंट है, इधर उधर नर्व्स वगैरह प्रेजेंट है, हर जगह से स्टिमुलस ले रहा है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को दे रहा है, तो समझ रहे हो सारे तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जहां पे भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हर समझ में। लेकिन उसमें भी क्या बोल रहा है कि 97% सिर्फ ब्रेन है भाई, मतलब और पूरा बॉडी में जो कुछ भी नर्वस सिस्टम का पार्ट दिख रहा है ना, वो मात्र 3% है। सोच के देखो इस बात को, तो यानी यहाँ पे मेरे बोलने का एक ये भी मतलब हुआ ना कि मेरे बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स है ना, उससे कई गुना ज्यादा तो सिर्फ इस ब्रेन में प्रेजेंट है, ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन इसके अंदर है तो ना ब्रेन, समझते हो ना। अभी लेयर्स भी देखेंगे कि कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं ब्रेन। तो जरूर याद रखना कि पूरे नर्वस सिस्टम का 97% सिर्फ ब्रेन, मतलब कि पूरे बॉडी में जितने न्यूरॉन्स है उससे कई गुना ज्यादा न्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में है। इतना समझ में आया आपको? अब देखो इतने सारे न्यूरॉन्स कैसे वहां पे जमा हो गए हैं, तो वो बहुत ही ना कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और इवन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, खास करके जो सेरेब्रम होते हैं, बाहर वाले लेयर है ना, अपर मोस्ट लेयर, उसका स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा ना, तो वो ऐसे सीधा सा नहीं होगा, उसके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, है ना, रूजेस प्रेजेंट होते हैं उसमें, क्लियर है। तो उस वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरोन वहां पे क्या हो सके, जमा हो सके, कॉन्स्ट्रिक्ट हो सके, क्लियर है ना। इतना समझ में आया आपको कि ब्रेन क्या है? सबसे ऊपर वाला और सबसे वाइडेस्ट पोर्शन है सीएनएस का, और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का कितना परसेंट है, तो ये 97% अकेले ऑक्यूपाई किए हुए है, क्लियर है ना। इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है इसमें, इट वे अबाउट 1.2 to 1.4 kg। आराम समझ में, ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू है 1.4, 1.2 to 1.4 kg इसका जो क्या होता है, वजन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में, लिख लो स्ट्रक ऐसे लिख लो, सॉरी, स्टडी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन्स लिख लो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज इस, यानी कि स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो यहां लिख लेना इनसेफेलॉजी, क्लियर है ना, इनसेफेलॉजी, क्लियर है, ये ई है, क्लियर है ना। आप तो स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं, हम इनसेफेलॉजी बोलते हैं। एक्चुअली ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसे भी हम प्रोजेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन, डायंसेफलॉन ऐसे करके बोलते हैं। तो इनसेफेलॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ ब्रेन, क्लियर है ना। अब देखो ब्रेन जो है ना हमारा, वो देखो ऊपर से ये जो हार्ड कवरिंग है ना, जैसे देखो चोट लग रहा है लेकिन उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जो हार्ड कवरिंग है दैट इज स्कल, या इसी को क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बोन है, बोन का एक लेयर है, मतलब कि एक हार्ड कवरिंग है, इसी के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। और सिर्फ यही कवरिंग नहीं है, इसके अंदर भी दो तीन और एक्स्ट्रा लेयर्स प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू के, क्लियर है ना, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के, तो उसके बाद जाके हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, आरंभ समझ में। यानी सिर्फ ये क्रैनियम नहीं कने उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्रैनियम के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स प्रेजेंट है, वो भी प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में भी बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाई ए बोनी कवरिंग, बोनी कवरिंग मीन्स बोन की कवरिंग, क्लियर है ना, नोन एज क्रैनियम,
या इसी को तुम अस्कल के नाम से जानते हो, खोपड़ी समझते हो ना, तो खोपड़ी के अंदर ही तो ब्रेन प्रेजेंट है ना, ये इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये हमारी खोपड़ी हो गई, मतलब अस्कल हो गया, मतलब क्रैनियम हो गया। एक चीज समझोगे, देखो आपने पढ़ा होगा ना कि बच्चे में जो होते हैं 400 समथिंग बोन्स होते हैं, और जब बड़ा हो जाता है एडल्ट तो 300 समथिंग। तो बाकी के बोन्स कहाँ गायब हो गए हैं क्या? कभी सोचे हो इसके बारे में? ये इन्फॉर्मेशन पहले आपको पता है ना, बच्चे में 400 समथिंग बोन्स होते हैं यानी 400 प्लस, लेकिन बड़ों में जाओ जैसे मेरी बात कर लो तो 300 समथिंग, 305-6 ऐसे ही फोर करके कुछ होता है समथिंग, ठीक है ना। चलो तो बाकी के बोन्स गए कहाँ? टूट गए क्या? खत्म हो गए क्या? नहीं, बाकी के बोन्स ना फ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, फ्यूज कर जाते हैं। तो ब्रेन, ये जो अस्कल है ना, यहाँ का भी हाल कुछ ऐसा होता है। एक बच्चा छोटा सा है ना, अगर उस बच्चे के मतलब हेड में देखो ना आप गौर से, तो उसका हेड ना पूरा कवर्ड नहीं दिखेगा। मतलब देखो ऐसे नहीं समझो, कवर्ड तो दिखेगा ही बेसिकली, मतलब कि जैसे अगर उसके हेड पे यहाँ आगे वाले पोर्शन में देखो, जैसे ये आगे वाला पोर्शन है, यहाँ थोड़ा सा आगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पुश करोगे ना, दबाओगे ना, तो वहां पे वो फ्लेसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। दैट मीन्स आपको वहां पे ना अस्कल दिखेगा ही नहीं, क्लियर है? वहां पे आपको अस्कल नहीं फील होगा, और चारों तरफ अस्कल फील होगा, लेकिन इस वाले पोर्शन में आपको लगेगा कि यहाँ धस रहा है, मतलब कि वहां पे अस्कल नहीं है। वैसे ये करना नहीं, क्लियर है ना, क्योंकि बच्चों को अगर वहां पे ज्यादा जोर से दबाते हो ना, तो फिर समझ रहे हो ना, वो डायरेक्ट ब्रेन है, ब्रेन डैमेज कर सकता है, ठीक है। चेक कर सकते हो बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, लेकिन कर सकते हो चेक, ठीक है, उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही ध्यान रखना इस बात का मैं जो बोल रहा हूँ। चलो आगे देखना, तो वहां क्या हुआ है ना कि उसके बोन्स, इसके उसके जो ये बोन्स है क्रैनियम के, वो भी कनेक्टेड नहीं है, वहां दो तीन बोन अलग अलग हैं जो कि धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और वो फ्यूज करके एक हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट, बोलते हैं ना। अस्कल जो होता है ना हमारा, वो फिक्स ज्वाइंट होता है, क्लियर है ना? फिक्स ज्वाइंट समझते हो ना, इमूवेबल होता है, मूव वूव कुछ नहीं करता है, तो ये फिक्स ज्वाइंट से कनेक्टेड होता है। तो वहां पे ऑलरेडी पहले बोन्स का नंबर होता है ज्यादा, लेकिन फिर फ्यूज करके एक ही हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं। तो ये समझ में आया आपको कि ह्यूमन ब्रेन जो होते हैं ना, वो बहुत ही सही तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं, कहाँ? तो अस्कल के अंदर, मतलब एक बोनी कवरिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्रैनियम और अस्कल। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्कल के अंदर और भी लेयर्स प्रेजेंट है, उसे लिखेंगे यहीं पे, जगह है ना, यहाँ यहीं लिख लो। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, है ना, ऐसे लिख लो, इनसाइड द अस्कल ब्रेन इज कवर्ड बाई थ्री डिफरेंट लेयर्स ऑल्सो, तीन अलग अलग लेयर्स से भी ये कवर्ड होते हैं, नोन एज क्रैनियल मेनिंजेस, क्लियर है ना, क्रैनियल मेनिंजेस। तो ये मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्रैनियल मेनिंजेस में कौन कौन से आते हैं, उसे हम एक एक करके इसका नाम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जगह है, चलो मैं ऊपर लिखता हूं इसे, इसे इरेज करता हूं, है ना, एक मिनट। तो ये क्रैनियल मेनिंजेस समझ में आया होगा आपको, क्रैनियल मेनिंजेस में कौन कौन से आते हैं ना, उसका नाम लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे इन लेयर्स के बारे में देखते हैं, यानी इस तरीके से लिखना, दीज लेयर्स आर, यानी क्रैनियल मेनिंजेस के बारे में देख रहे हैं हम, क्लियर है ना। तो सबसे पहला लिखना ऑटर ड्यूरामेटर, क्लियर है ना। द नेक्स्ट वन इज मिडिल, ऑटर के बाद मिडिल होगा, मिडिल लेयर इज एरकिनोइड, एंड थर्ड वन इज इनर, तीसरा क्या होगा, इनर पायामेटर। यानी देखो क्या हुआ, समझो, सबसे ऊपर अस्कल खोपड़ी यानी बोन, उसके नीचे एक लेयर
ड्यूरामेटर का, उसके नीचे एक लेयर अरिकनोइड का, उसके नीचे एक लेयर पायामेटर का, और तब जाके हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। तो देख रहे हो ब्रेन को कितने सही तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है। तीन लेयर ये कुछ टिश्यू के बने होते हैं, क्लियर है ना, खास करके कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये तीन लेयर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा एक समझ रहे हो सबसे हार्ड वाला अस्कल प्रेजेंट है, तब जाके हमारा ब्रेन है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं पे समझो ये ड्यूरामेटर और एरिकनॉइड के बीच में देख रहे हो एक स्पेस प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया ना, तो वैसे ही ब्रेन के अंदर भी स्पेस प्रेजेंट होगा। यानी कुछ इस तरीके से अगर समझना चाहो तो देखो, ये हो गई ऊपर की अस्कल, क्लियर है ना, ये अस्कल हो गई। इसके नीचे हमारा ड्यूरामेटर है, ये देखो इसके नीचे हमारा ड्यूरामेटर का लेयर है, ये देखो क्या है, ड्यूरामेटर का लेयर है, आ रहा समझ में। अब इस ड्यूरामेटर के बाद हमारा अरिकनोइड का लेयर है, इसका लेयर है, मैं दूसरे कलर का यूज करता हूँ। इसके बाद हमारा अरिकनोइड का लेयर है, आ रहा समझ में, और इसके बीच में देखो मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है, ये हमारा क्या है, तो अरिकनोइड का लेयर है। और इस अरिकनोइड के लेयर के बाद सबसे अंदर हमारा पायामेटर है, तो देखो यहाँ पे भी मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा पायामेटर है। अब इसके बाद है हमारा ब्रेन, आ रहा है समझ में, इसके बाद है हमारा ब्रेन, यानी इसको समझोगे, इसी को यहीं पे समझ लोगे। सबसे बाहर क्या हो गया हमारा, अस्कल हो गया, ये देखो ये रेड वाला दिखाया मैंने, ये क्या है, तो ये हमारा एक तरह से ड्यूरामेटर हो गया। इसके बाद ये क्या है, तो ये अरिकनोइड हो गया, और ये देखो सॉरी ये नहीं, ये देखो क्या है, तो ये हमारा पायामेटर हो गया, आ रहा है समझ में। तो ये तीन लेयर हो गया, इसके साथ साथ समझो, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे गैप प्रेजेंट है ना, इस गैप में फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, इस गैप में क्या भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा। यहाँ पे भी देखो गैप है, यहाँ पे भी क्या भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा, आ रहा समझ में। यानी सबसे पहले तो यहाँ एक स्पेस प्रेजेंट है, तो इस स्पेस का भी एक नाम है, ये जो स्पेस दिख रहा ना यहाँ से यहाँ तक, इस स्पेस को देखो क्या बोलते हैं, ये देखो ड्यूरामेटर के नीचे है ना, तो इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। और ये देखो ये अरिकनोइड के नीचे है ना ये वाला स्पेस, क्लियर है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सब अरिकनोइड स्पेस, आ रहा समझ में। सो ये सब ड्यूरल स्पेस और ये सब अरिकनोइड स्पेस, और सब ड्यूरल और सब अरिकनोइड इन दोनों स्पेस में अगर देखा जाए तो फ्लूइड भरा होता है। इन दोनों स्पेस में क्या भरे होते हैं, ये देखो फ्लूइड भरे हुए हैं ना, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CSF, इसको क्या बोलते हैं, CSF, BSF नहीं समझोगे, ये CSF है, नहीं, CSF stands for cerebro spinal fluid, यही तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। यहीं पे समझ लेना ये फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पे तो तीन लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट थे प्रोटेक्शन के लिए, फिर फ्लूइड की क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो देख लो हेड ही प्रेजेंट है हमारा, अस्कल की बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने जोर से लग रहा है, कुछ हो रहा है क्या, नहीं, इतने देर में अगर ये अस्कल नहीं रहता ना मेरा दिमाग हिल जाता, अभी मैं पढ़ा रहा था तुम्हें ये बायो, अभी थोड़ी देर में कुछ और ही पढ़ाना शुरू कर देता है ना, दिमाग ही हिल जाता मेरा, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, आराम से देखो पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ फ्लूइड का क्या काम होता है वो समझना, फ्लूइड जहाँ भी आपको दिखे ना बायोलॉजिकल टर्म्स में कि कहीं पे एक लेयर है वहाँ पे एक फ्लूइड है, बहुत सारे मिलेंगे, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा, क्लियर है ना, जैसे कॉक्लियर फ्लूइड मिलेगा, मिला ही तो था तुम्हारे ईयर में, ठीक है, वैसे और भी जगहों पे मिलेगा। तो फ्लूइड का एक कॉमन फंक्शन होता है, हर जगह पे नहीं लेकिन एक कॉमन फंक्शन मैं बता रहा हूँ, इसे याद रखोगे आप, और वो क्या है कि मैकेनिकल शॉक्स को ना एब्जॉर्ब करता है, कैसे करता है उसको समझ लो। जैसे देखो सपोज दैट ये देखो मेरा फेस है, अब किसी ने ऐसे हीट किया मुझे, ठीक है ना, फेस पे ऐसे हीट किया, मुझे जोर से लगेगी, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इस फेस के आगे ना मैं क्या करता हूँ, एक बैलून रख लेता हूँ, और उस बैलून में ना मैं पानी भर देता हूँ, ठीक है, और अब वो बैलून पे मारेगा तो अब मुझे चोट नहीं फील होगा, क्योंकि वो जो भी शॉक लगा ना उस फोर्स की वजह से, उसको उस लिक्विड ने, उस फ्लूइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, आ रहा है समझ में।
तो यहाँ पे सॉक एब्जॉर्वर का काम करेगा ये सीएसएफ, ठीक है ना। ये क्या करेगा, तो फंक्शंस एज सॉक एब्जॉर्वर, आया समझ में। तो ये सॉक को एब्जॉर्व करेगा, आराम समझ में। तो ये सॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो इस आउटर ड्यूरामेटर और मिडिल एरिक्नॉइड के बीच का स्पेस जो है वो क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम सब ड्यूरल स्पेस, और इसको क्या बोल रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं सब एरिक्नॉइड स्पेस, ठीक है ना। और ये दोनों जो स्पेस है ना, इसमें प्रेजेंट होंगे सीएसएफ विच फंक्शंस एज शॉक एब्जॉर्बर। तो देख रहे हो ब्रेन कितना ज्यादा प्रोटेक्शन में है, और जरूरत भी तो है ना, अरेंजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, सारे सिस्टम को अल्टीमेटली ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है, अरेंजमेंट में याद करो आप। इवन इंडोक्राइन सिस्टम को भी कौन कंट्रोल कर रहा था, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस भी तो ब्रेन का ही पार्ट है ना, आराम समझ में। ब्रेन में पढ़ते रहो ना, हाइपोथैलेमस भी आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं, चाहे आ जाए चाहे कल आए, ठीक है। आज तो बेसिकली नहीं आएगा, आज तो बस इन्हीं सब चीजों को समझाने में टाइम चला जाएगा मेरा। तो ये इतना समझ में आ गया, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसे लिख चाहो तो लिख लो आप, चाहो नहीं लिख ही लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख लेना। तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन ब्रेन को ना तीन अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स। देख लो इन तीनों का नाम समझोगे, इन तीनों का नाम क्या है। सबसे पहला जो है हमारा वो है फोर ब्रेन, सबसे पहला क्या है फोर ब्रेन। द सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, सेकेंड वन क्या है हमारा मिड ब्रेन। एंड द थर्ड वन इज हिंड ब्रेन, और तीसरा क्या है हमारा हिंड ब्रेन। क्लियर है, इन्हीं तीनों को हम पढ़ेंगे एक एक करके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को, ठीक है ना। इसमें भी देखो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, फोर ब्रेन जो पढ़ना है ना हमें, यही मेन पढ़ना है, ठीक है, फोर ब्रेन ही मेन पढ़ना है हमें। बाकी मिड ब्रेन हिंड ब्रेन ना आप खुद से समझ जाओगे, बस आपको मेन फोकस देना है फोर ब्रेन पे, और फोर ब्रेन थोड़ा लंबा भी है, ठीक है। तो इसे इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, आज इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जितना समझा उतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है ना। बाकी हम देखेंगे फोर ब्रेन को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बेसिकली सिर्फ फोर ब्रेन को देखेंगे, और बाकी मिड ब्रेन हिंड ब्रेन को एक साथ हम देख लेंगे, छोटा छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाओ, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है ना, नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स जो भी होते हैं रिगार्डिंग द चैनल, चाहे वो रिगार्डिंग अपडेट हो कोई कि कब मैं पोस्ट करूँगा वीडियो, या कब किसी दिन अगर नहीं कर पाऊँगा तो क्यों नहीं कर पाऊँगा, कोई PDF वगैरह शेयर करना हो, ठीक है ना, क्वेश्चंस वगैरह शेयर करना हो आपसे, तो सब कुछ मैं टेलीग्राम पे ही करता हूँ। यानी इस चैनल के साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है आप ही के लिए, क्लियर है ना। चलो फिर ठीक है, बाय, टेक केयर।